नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे OTT पर आने वाली भूतिया वो फिल्में जो हर कोई नहीं देख पाता है। वो 6 फिल्में बताऊंगा आपको, जिसमें तीसरी वाली देखने के लिए तो बहुत ही मजबूत दिल चाहिए। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे हॉरर फिल्में देखना और दिखाना दोनों ही सबको ही पसंद आती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हॉरर मूवी देखना पसंद नहीं होता है। वहीं हम आज 6 ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्होंने आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं। ये वो हॉरर फिल्में हैं जो बेहद डरावनी हैं। ये सिर्फ डरावनी फिल्में ही नहीं बल्कि शानदार कहानियाँ के साथ बनाई गई हैं। इनमें से एक फिल्म को देखने के लिए मजबूत जिगर चाहिए, क्योंकि उसे अकेले देख पाना तो काफ़ी मुश्किल है। आप भी उस फिल्म को देखकर फिर बाद को कमेंट करना कि आपने अकेले देख पाई या नहीं देख पाई। शैतान 2024 विकास बहल द्वारा निर्देशित और अजय देवगन फिल्म्स जियो स्टूडियो और पेनोरमा स्टूडियो द्वारा निर्मित ये एक बेहद डरावनी फिल्म है, जिसमें अजय देवगन के साथ आर माधव, ज्योतिका, जानकी बोदीवाला और अजगद राजा मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसका तब अस्त व्यस्त हो जाता है जब उसकी सबसे बड़ी बेटी अजनबी द्वारा किए गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बुलबुल 2020 में आई थी। ये एक पीरियड हॉरर मूवी है जो अवंतिका दत्त द्वारा लिखित और निर्देशित भी है। इसका निर्माण क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा द्वारा किया गया था और इसमें अविनाश त्रिवारी और पाओली डेम, राहुल बोस और पनव्रत चट्टोपाध्याय के द्वारा दृप्ति डिमरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बुलबुल 24 जून 1920 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। पिंडलम 2023 ये एक बेहद डरावनी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो साई किरण डेड्डा द्वारा निर्देशित फिल्म में श्रीराम और खुशी रवि की पहली तेलुगु फिल्म से में ईश्वरी रॉय और श्रीनिवास अवसारला सहायक भूमिका में हैं। ये फिल्म 1930 के दशक में नलगोंडा के एक घर में सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये एक बेहद डरावनी फिल्म है जिसे देखने के लिए मजबूत दिल चाहिए। 13 भी 2009 में आई थी। ये हॉरर फिल्म 3 अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से रिलीज हुई थी। हिंदी में इसे 13 भी के नाम से और तेलुगु में इसे 13 पद मृदुणु के नाम से रिलीज किया गया था, जबकि ये एक तमिल फिल्म थी जिसका नाम यमरूम नलम था, जिसे विक्रम कुमार ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म में आर माधव और नीतू चंद्रा द्वारा मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 1920-2008 में रिलीज हुई थी। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित और लिखित 2008 की ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त हॉरर फिल्म थी। फिल्म में नवोदित अभिनेता रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा विवाहित जोड़े की भूमिका में हैं। एक शानदार इंद्रनील सेल गुप्ता एक विशेष भूमिका में हैं। 1973 की हॉरर फिल्म द एक्सोसिस्ट से प्रेरित थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। परी 2018 में आई थी। ये एक बेहद डरावनी फिल्म हॉरर फिल्म थी जिसका निर्देशन प्रोसित राय ने किया था। इसमें अनुष्का शर्मा के साथ परमव्रत चटर्जी, रीता भरी चक्रवर्ती, रजत कपूर और मानसी मुल्तानी भी अहम भूमिकाओं में थे। इस हॉरर फिल्म को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया।
इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।